एनम का मांग है, राज्य स्वास्थ्य समिति की में जो एनम हैं उनका अभी वेतन 33% इजाफा किया गया है। जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो एनम अभी काम कर रही हैं, शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में 865 उनकी संख्या है, उनका कोई वेतन इजाफा नहीं किया गया। उनको भूतलक्षी प्रभाव से नियमित किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये कंप्यूटर परीक्षा दे करके आई हैं, ट्रेंड है, इसलिए इनको बिना परीक्षा लिए हुए इनको भूतलक्षी प्रभाव से नियमित करिए। जब तक नियमित नहीं करते हैं तब तक न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 का भुगतान करिए, इनको 2 दिनों का प्राकृतिक अवकाश दीजिए। सरकारी अस्पताल में काम करती हैं इसलिए इनको मेडिकल अवकाश मिलना चाहिए, मेडिकल का भी लाभ मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं क्रिस्टल पर गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो भीड़ है आपको दिखाते हैं कि हवा तो चल ही रहा है लेकिन यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं। बैनर के माध्यम से आपको पहले बताते हैं कि बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की तरफ से धरना दिया गया। इसके पहले भी बहुत बार इन्होंने धरना दिया था, स्थान यही था गर्दनीबाग की अगर बात करें तो यही स्थान इन्होंने चुना था। कारण जानते हैं कि कारण क्या कुछ बदला है या उसी कारण से संबंधित यहाँ पर ये आए हैं धरना देने। तो इसके पहले आप बहुत बार आ चुके हैं, हमारी मुलाकात भी आपसे हुई है, क्या क्या कारण है कि अभी भी आप धरना स्थल पर बने? देखिए, सरकार की जो नीति है उस नीति के खिलाफ हम लोग धरना बैठे हुए हैं। हमारी सरकार से मांग है, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अंतर्गत संचालित संविदागत एएनएम संघर्ष समिति का मांग है, एएनएम का मांग है कि ठेका अनुमूलन अधिनियम 1970 में व्यवस्था है कि स्थायी प्रवृत्ति वाले विभाग में ठेका संविदा पर बहाली नहीं करना है। उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ठेका अनुमूलन अधिनियम 1970 की व्यवस्था को ताक पर रखकर संविदा पर बहाली की जा रही है। राज्य स्वास्थ्य समिति की में जो एनम है उनका अभी वेतन 33% इजाफा किया गया है। जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो एनम अभी काम कर रही हैं, शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में 865 उनकी संख्या है, उनका कोई वेतन इजाफा नहीं किया गया। उनको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाता है। महिलाओं को जो 2 दिनों का विशेष अवकाश मिलता है, प्राकृतिक अवकाश, वो भी उनको नहीं दिया जाता। हमारी सरकार से मांग है, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग से, माननीय मुख्यमंत्री से, कि न्यूनतम वैधानिक मजदूरी के तहत इनको 26,000 रुपया न्यूनतम वैधानिक मजदूरी दिया जाए। फिलहाल अगर बात करें वेतन की तो कितनी है? मात्र 11,500 रुपया, 11,500 रुपये इनको मिलता है, जिससे अभी आज के महंगाई के दौर में कुछ भी नहीं हो सकता है। पटना जैसे शहर में 11,500 में रहना खाना किराया सब कैसे संभव है, आप खुद इसके अच्छा, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हैं आपकी, इसके पहले भी आपने धरना दिया था। हाँ। क्या स्वास्थ्य मंत्री से आपकी मुलाकात कभी हुई है या कोई लेटर वगैरह आपने दिया है अभी तक? हमने कई एक बार पत्राचार किया है, स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए भी हमने पत्र दिया है, लेकिन अभी तक माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा समय निर्धारित हमको नहीं किया गया कि कब मिला जाएगा। हम पुनः मिलने का प्रयास में लगे हुए हैं। निदेशक प्रमुख से हमने मिलने का काम किया, उनसे भी हमने समस्याओं को उनके संज्ञान में लाने का काम किया, लेकिन हमारा मुख्य मांग यही है कि जितने 865 संविदागत एएनएम हैं उनको भूतलक्षी प्रभाव से नियमित किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये कंप्यूटर परीक्षा दे करके आई हैं, ट्रेंड है, इसलिए इनको बिना परीक्षा लिए हुए इनको भूतलक्षी प्रभाव से नियमित करिए। जब तक नियमित नहीं करते हैं तब तक न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 का भुगतान करिए, इनको 2 दिनों का प्राकृतिक अवकाश दीजिए। सरकारी अस्पताल में काम करती हैं इसलिए इनको मेडिकल अवकाश मिलना चाहिए, मेडिकल का भी लाभ मिलना चाहिए, सहित 7 सूत्री हमारी मांग है। उसमें हमारे मुख्य मांग ये है कि बैचवार, अंकवार प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति किया जाए, लेकिन सरकार अभी इसमें मौन है। अगर सरकार अगर अपना मौन नहीं तोड़ती है, अगर हमारी मांग अगर पूरा नहीं करती है, तो आने वाला दिन में हम पुनः बैठक करके रणनीति बनाएंगे और सरकारी चक्का जाम करने का हम काम करेंगे। अमित कुमार मिश्रा, सहायक महामंत्री, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। चलिए, और लोगों से हम बात करेंगे। इन्होंने कहा कि हम चक्का जाम करने का प्रयास करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि शांतिपूर्ण हड़ताल आपने किया, कुछ फायदा नहीं हुआ, तो क्या चक्का जाम करने से फायदा होगा? अभी तो हम लोग मांग पत्र देंगे सर को, जब मांग पत्र नहीं कुछ मतलब होगा उसमें, तो हम लोग अपना आगे का प्रतिक्रिया जो अमित सर ने अभी बोले हैं उसके प्रोसेस से हम लोग कार्य करेंगे। नहीं कार्य मतलब नहीं बात सुनेगी तो हम लोग कार्य को ही बाधित कर देंगे, कार्य को बाधित कर देंगे। हाँ, काहे नहीं करेंगे। 11,500 रुपया में आज के डेट में क्या होने वाला है बताइए सर? हम लोग काम कर रहे हैं, एक मतलब CBT टेट एग्ज़ाम भी हम लोग क्वालिफाई करके आए, हम लोग बार बार एग्ज़ाम ही देंगे, काम करेंगे कि एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे, हम लोग का यही मांग है। जो अगर बात करें तो दिक्कत कहाँ से आ रही है वेतन को लेकर? तो दिक्कत हम समझ चुके हैं कि 11,000 के समथिंग वेतन है, और मांग कितनी की, कितने वेतन होनी चाहिए? आप
मांग हम लोग का है मिनिमम 26,000 वेतन होना चाहिए, 11,500 मिलता है। इसमें हम लोग फैमिली पर हैं, पटना में रह के कुछ होता नहीं है इतना से, ऊपर से हम लोग को टाइम भी नहीं मिलता है कि हम लोग मतलब कितना पढ़ें ताकि एकदम क्वालिफाइड रहें। पढ़ने का भी तो टाइम मिले तभी तो पढ़ेंगे। अच्छा, संख्या की बात करें तो कितनी होगी आपकी पूरे बिहार में? हम लोग के पूरे बिहार में 865 की संख्या है। हम लोग अपने जिला को, गृह जिला को छोड़ के दूर दराज जिलों से कहाँ कहाँ हम लोग को भेजा जा रहा है। 11,500 में हम लोग का गुजर बसर नहीं हो रहा है। हम लोग क्या कौन कौन काम नहीं करते हैं, ईविन पोर्टल पर करते हैं कि हॉस्पिटल का सारा देख रेख करते हैं, टीकाकरण करते हैं, शहरी क्षेत्र में हम लोग को पोस्टेड किया गया है, लेकिन शहरी जैसा हम लोग का वेतन भी तो होना चाहिए ना। एक गांव भी ग्रामीण के जैसा नहीं, हम लोग का ज़्यादा तो ग्रामीण के लोग को मिल रहा है। कैसे हम लोग पटना में रह कर यहाँ पर अपना गुजर बसर करें? हम लोग का यही अतु है कि हम लोग को 26,000 किया जाए, 2 दिन का अवकाश भी नहीं मिल रहा है। क्या हम लोग लेडीज नहीं है, एक महिला नहीं है? हम लोग का महिला के साथ शोषण हो रहा है। क्यों हम लोग का 2 दिन का, वो तो मेरा छुट्टी है, लेकिन हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों हम लोग के साथ शोषण हो रहा है? तो इस वक्त गर्दनीबाग धरना स्थल पर उपस्थित है। आपको हमने बताया कि किस तरीके से आपको बैनर के माध्यम से दिखाते हैं कि बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तरफ से जो भी यहाँ पर 7 प्रमुख मांगे हैं इनकी, जिनमें से सबसे प्रमुख मांगों की अगर बात करें तो वेतन को लेकर है। 11,000 के समथिंग इन्हें वेतन मिलता है, और इनकी मांग की अगर बात करें तो 26,000 तक का वेतन की मांग कर रहे हैं। साथ में और 6 सूत्री मांगे एक्स्ट्रा है, वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे भी दिखाएंगे। तो यदि आज की रिपोर्ट बाकी है, तमाम खबर देखते हैं। धन्यवाद। We'll be right back.